हेमंत जी की नेतृत्व में सरकार भी बनी और जैसे ही वो सरकार बनी हमारे विरोधियों ने चाल चलना शुरू कर दिया। उसी तारीख से जिस तारीख हमारी झारखंडी सरकार बनी, हमारा गौरवान्वित सरकार बना जो आपके द्वारा चुना गया था, हेमंत सोरेन जी का अपराध क्या है? क्या है हेमंत सोरेन जी का अपराध? क्या झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से वापस मांगना यह अपराध है? या विधानसभा द्वारा पारित 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए मांगना क्या यह अपराध है? क्या आदिवासी सरना धर्म कोड मांगना यह अपराध है? क्या यहां जनभावना के अनुरूप स्थानीय नीति के बारे में बात उठाना यह अपराध है? यहां झारखंड की कला संस्कृति इसके काम में प्रयास करना यह अपराध है? कोविड का समय आया था जब मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था, जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं ली, लेकिन जिसने जिम्मेदारी उठाई मजदूरों को बसों से, ट्रेन से, हवाई जहाज से लेकर झारखंड में वापस लाना क्या यह अपराध था? या झारखंड के किसानों का ऋण माफ करना अपराध था? इन लोगों की सोच इतनी गंदी है कि इन्होंने ये नहीं देखा कि को जो एक झारखंडी अपने राज्यवासियों के लिए काम कर रहा है उसको झुकाने का मतलब, उसको जेल में डालने का मतलब हर एक झारखंडियों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। आपने हेमंत सोरेन को जेल नहीं डाला, आपने यहां के स्वाभिमान आत्मसम्मान को जेल में डाला है और इसका करारा जवाब मिलेगा। आने वाले वक्त में इसका करारा जवाब मिलेगा। यहां पे आई मैं बहुत सारी माताओं बहनों को सामने में देख रही हूं और क्षमा मांगना चाहूंगी कि आप लोग हमारे इंतजार के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे आशीष वचन देने के लिए यहां इतने दूर से आए हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि इस बहू को, झारखंड की बहू को आपने इतना प्यार दिया है कि ये बहू अब आपकी बेटी बनने के लिए भी तैयार है। और आप जैसे लोगों के लिए जो मेरे पति के दिल में बसते हैं, आज वो मेरे लिए दिल में भी बस रहे हैं। इतना प्यार, इतना सम्मान आज मुझे आप लोगों के द्वारा मिल रहा है। एक एक जन, छोटा बच्चा, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी सहेली, मेरे कार्यकर्ता लोग, आप लोगों का साथ जो मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत छोटा फील हो रहा है, बहुत छोटा महसूस हो रहा है कि मैं आपको संबोधन कर रही हूं, क्योंकि ये हक आप सभी का बनता है। आपके मन में भी क्या इच्छाएं हैं ये सुनने के लिए आप लोगों को भी जगह मिलना चाहिए। लेकिन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी मुझे सुनने के लिए यहां आए हैं। हे सेटर अकार, चांदो बराबरी, गो बाबा को, जोतो को गो जोहार, भोया मसी को जो जोहार, अतुकन सेटर अकार बाबा को, मजी बाबा को, नाई के घोड़े को, पराने को, जोतो को ये सलाम जोहार। और इसके साथ
आप सभी का आशीर्वाद हमको पहले भी मिलता रहा है, अभी भी चाहिए और आने वाले वक्त में भी चाहिए। तो जोर से हम लोग सब जय झारखंड बोलेंगे, तो आप लोग सब खड़े हो जाइए और दिखा दीजिए ताकत